नमस्कार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि 1998 में माखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का शुरू हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग आज 25 वर्षों की यात्रा पूरी करते हुए रजत जयंती वर्ष में इस शैक्षणिक सत्र से प्रवेश कर रहा है। लगातार साल भर हम लोग बहुत नवाचारी कार्यक्रम करने वाले हैं। हमारे विभाग में 3 पाठ्यक्रम संचालित हैं, MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, MA प्रसारण पत्रकारिता। ये दोनों मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों में किसी भी विषयों के स्नातक ग्रेजुएट विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। 4 सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है। तीसरा पाठ्यक्रम हमारा BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया UG लेवल का है, जिसमें 12वीं उत्तीर्ण किसी भी विषय का विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है। तीनों ही पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण विद्यार्थियों पर हम जब पिछला प्रकाश डालेंगे तो हमारे जो एलुमनाई हैं इस विभाग के, वो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपना परचम फहरा रहे हैं। वंदना ढांड BBC हिंदी सेवा में अपना नाम जहां ऊंचा कर रही हैं, वहीं शेफाली चतुर्वेदी रेडियो में अपना नाम खनका रही हैं। जैसा आपको पता है कि प्रसारण पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश में तेजी से उभरता क्षेत्र है। इसमें कैरियर के बहुत अवसर हैं। आप यहां पर ना सिर्फ टेलीविजन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हो सकते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हो सकते हैं, क्रिएटिव कंटेंट हेड हो सकते हैं, टेलीविजन कॉमर्शियल्स बना सकते हैं, रेडियो जिंगल्स बना सकते हैं, डिजिटल फोटोग्राफी कर सकते हैं, मोबाइल जर्नलिज्म कर सकते हैं, डिजिटल फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटर हो सकते हैं आप, न्यूज स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, न्यूज एडिटर हो सकते हैं, नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग एडिटर हो सकते हैं, सिनेमेटिक्स कर सकते हैं, ऑडियो इफेक्ट जनरेटर हो सकते हैं, स्पेशल वीडियो इफेक्ट जनरेटर हो सकते हैं, ग्राफिक्स सीख सकते हैं। कहने का आशय ये है कि आपको कैरियर संवारने के लिए अनगिनत द्वार या अवसर प्राप्त होंगे। आपको इन सब स्किल देने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में बहुत ही अनुभवी प्राध्यापकों की टीम है, और साथ ही उनको प्रैक्टिकल्स कराने के लिए प्रोडक्शन टीम भी एक्सपर्टाइज है, जिन्होंने देश विदेश की चैनलों में काम किया है, जिनके प्रोडक्शन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, उनको अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। ऐसे एक्सपर्टाइज क्षेत्र में एक्सपर्टाइज लोगों से प्रशिक्षित होने का सुनहरा अवसर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग इस सिल्वर जुबली ईयर में आपको प्रदान करता है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने अभी हाल ही में नवीन परिसर में MCU दर्शन टेलीविजन चैनल का शुभारंभ किया है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त इक्विपमेंट सुसज्जित हैं। हमारे पास कर्मवीर रेडियो है कैंपस में, जहां पर विद्यार्थी रेडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं। रेडियो कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग करने के पश्चात उसका प्रसारण होता है। हमारे पास नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग सुविधा है और मल्टीमीडिया कंप्यूटर लैब हमारी अप टू डेट है, जिसमें विद्यार्थी IT और उसका क्रिएटिव यूज कैसे हो, ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के दौरान करते हैं। उनको फील्ड विजिट कराई जाती है, जिससे ना सिर्फ उनको किताबी ज्ञान मिले बल्कि फील्ड में जाकर पास से नज़दीक से चैनलों की कार्य प्रणाली को और उनसे मिलने का रूबरू अवसर प्राप्त हो। समय समय पर विभाग में देश के बहुत ही अपने अपने क्षेत्रों के चुनिंदा टेलीविजन पत्रकार, रेडियो प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स, वेब मीडिया के एक्सपर्ट्स, फिल्म मेकर्स, मोबाइल जर्नलिज्म के एक्सपर्ट्स, न्यूज़ प्रोडक्शन के एक्सपर्ट्स के व्याख्यान और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जिनसे विद्यार्थियों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एक समग्र विकास हो पाए। वैसे तो हमारा जो पाठ्यक्रम है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन फिर भी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सभी भारतीय भाषाओं के विद्यार्थियों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और अपील करते हैं कि अंतिम तिथि से पूर्व यदि वो इस ग्लैमरस दुनिया में आना चाहते हैं, जहां पर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटी है, ऐसी दुनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के जो PG प्रोग्राम है, MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और MA प्रसारण पत्रकारिता, और 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए UG प्रोग्राम है BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको ऑप्ट करें और भोपाल कैंपस आकर जरूर एक बार घूमें विशनखेड़ी में।
जब आप इस कैंपस का भ्रमण करेंगे, हम नहीं कहते हैं, जिन्होंने भी अभी तक देखा है वो कहते हैं आने के बाद एक अलग अनुभूति होती है, एक सुखद शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि ये सीखने समझने प्रशिक्षित होने का एक बहुत ही उचित स्थान है। ऐसा लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। और इसके अलावा आप अपने स्तर पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बॉयज गर्ल्स हॉस्टल हैं, अन्य बहुत सारी सुविधाएं हम विद्यार्थियों को देते हैं। छात्रहित में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, पूरा विभाग और यहाँ के संकाय और यहाँ आदरणीय कुलपति जी सदैव विद्यार्थियों के चिंतन करते हैं और उनको एक पैरेंटल गार्जियनशिप उनको देते हैं। उनके माता पिता से जब दूर यहाँ पढ़ने आते हैं तो उनको एक पारिवारिक परिवेश देने का हमारा प्रयास होता है, उनकी सभी शंकाओं को समाधान पर ध्यान दिया जाता है और उनको समग्रता में उनकी मेंटोरिंग पर हम लोग जोर देते हैं। तो मैं पुनः अपील करता हूँ कि जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया मतलब रेडियो टेलीविज़न डिजिटल फिल्म मेकिंग और वेब मीडिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो इन पाठ्यक्रमों को चुनें, भोपाल कैंपस में आएं, अपना प्रवेश लें और अपने कैरियर को सुनहरा बनाएं। धन्यवाद।